हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू एम ब्रोज इंडिया। गाइज़, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं खेसारी लाल यादव बंदूक टीजर न्यू भोजपुरी सॉन्ग। सो खेसारी लाल यादव का बंदूक सॉन्ग वो जल्द आने वाला है, जब भी आने वाला है तब देख ही लेंगे, लेकिन हम उसके टीजर पे रिएक्शन दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि टीजर जो है वो पहले रिलीज़ होता है और ये कुछ 30 सेकंड का टीजर है। देखते हैं क्या है। बहुत ज़्यादा आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, मतलब टीजर के लिए इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मुझे लग रहा है सॉन्ग रिलीज़ होगा तो पता नहीं कितनी रिक्वेस्ट। हाँ सही है। सो देख लेते हैं टीजर, ऐसा क्या है इस बंदूक के अंदर जो इतना आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। खेसारी लाल का ये जो सॉन्ग है वो हम भी देखें, आप भी देखें। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हियर वी गो। ओके, क्या बात है। यार गाना तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी से। भाग रहे बापू से। पोस्टर भी क्या गजब बनाया है यार इसका, बेहतरीन बुलेट के साथ। तो भाई 28 जून को गाना आ रहा है बंदूक, लग बड़ा गजब रहा है क्योंकि इसका पोस्टर, सॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो, प्लस जो लेडी सिंगर कौन है देखना जरा डिस्क्रिप्शन में, जो इनकी आवाज़ भी वो बहुत कमाल की लग रही है जो इन्होंने गाया है भोजपुरी। हाँ। के खेसारी लाल के साथ में कनिष्का नेगी ने गाया है, कनिष्का और बहुत ही कमाल का गाया है उन्होंने। लगभग मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ ये उस लेवल का गाया है कि साथ दे सकती खेसारी लाल यादव का। हाँ। और यार सच में जो बैकग्राउंड है, जो सेटअप है, काफी महंगा गाना है, मुझे लग रहा है देख के लग रहा है काफी महंगा, काफी खर्चा, और सेट भी अमेजिंग, एकदम असली रियलिस्टिक टाइप का सेट बनाया है, जैसे जिससे ऐसा लगे कि फॉरेन में शूट हुआ है। बिल्कुल, मतलब सेट बनाने में खर्चा हुआ है, साथ में रॉयल इनफील्ड और एक्ट्रेस भी काफी अच्छी लग रही है। एक्ट्रेस का नाम क्या है ये नहीं लिखा यार यहाँ पर, एक्ट्रेस का नाम नहीं लिखा है। डायरेक्टर बाय दिव्य गोयल, डन बाय अजय वर्मा, दिस इज नूपुर ऑडियो। नहीं यार एक्ट्रेस का नाम नहीं लिखा है, लिखना चाहिए था क्योंकि उनका भी रोल इस सॉन्ग में वीडियो है, तो ऑब्वियसली वीडियो में एक्ट्रेस का नाम लिखना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे गानों में, भोजपुरी गानों में बस सिंगर, लेडी सिंगर का नाम जरूर लिखते हैं लेकिन एक्ट्रेस का नाम नहीं लिखते हैं। लेकिन मुझे भी लगता है कि एक्ट्रेसेस का नाम लिखना चाहिए, जरूरी है क्योंकि पता तो होना चाहिए यार हीरो के साथ हीरोइन है कौन। हाँ, क्योंकि हर उसमें नई हीरोइन लेकर आते हैं ऑलमोस्ट सॉन्ग में, और बहुत सारी तो पता होना चाहिए, बहुत सारी न्यू एक्ट्रेसेस को चांस दिया है खेसारी लाल यादव ने। हाँ। तो मुझे लगता है कि एक्ट्रेस का नाम होना चाहिए, हो सकता है किसी को अपनी मूवी के लिए कोई एक्ट्रेस पसंद आ जाए, बिल्कुल तो यार उनको कम से कम पता तो है इसका नाम क्या है। सही है, इसकी खैर इनफो तो निकाल ही लेगा बंदा अगर किसी को कोई हीरोइन चाहिए हो तो। लेकिन फिर भी बाकी ओवरऑल बात करें इस सॉन्ग की, खेसारी लाल की आवाज़ नहीं सुनी हमने टीजर के अंदर, गाने के अंदर ही शायद सुनने को मिलेगी। और उन्होंने इसीलिए शायद सुनाई नहीं कि पब्लिक गाना जरूर देखे। तो यार खेसारी लाल का किस तरह का होगा इसमें, मुझे लगता है कि बन जाना चाहिए काम, गाना तो बड़ा जबरदस्त होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट मुझे कुछ नया सा लग रहा है, कुछ अलग और सेट भी कमाल का लग रहा है, और हीरोइन भी मुझे लग रहा है नॉन भोजपुरी हीरोइन है, और वो बापू को दिखाते हुए खत्म करा है टीजर को। हाँ। तो वो सही लगा मुझे, क्या कैसे वाइफ को धकाते हुए ले जा रहे हैं बापू को देखने के बाद। हाँ, स्टार्ट भी नहीं करी, भाग ले यहाँ से, वो वाला सीन हो गया था। तो मुझे वो चीज सबसे बेस्ट लगी है इसके अंदर। खैर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक लव नॉट वॉर।